ओके, सबको सुनाई दे रहा है ना? बहुत अच्छी बात है, सबको सबको सुनाई दे रहा है। तो जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले फीचर मैचिंग करने वाले हैं। हाँ, फीचर मैचिंग ही करने वाले हैं। ओके, तो मुझे अपने कोड ले आने दो, मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। आपका टोनी भाई है, आपको बताएगा। ओके, तो सबसे पहले सबको सेव कर लेते हैं। अगर गलती से पिलाई चली गई तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है, माय गॉड मेरे पीस बहुत है, मैं मैंग मारते हैं। ओके, तो हमारा ये हो गया है। देखो, सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। ओके, तो जैसे ही हमारे अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी, कुछ नहीं मैंने देखा तो बस रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो पिक्चर से हमें फीचर निकालने हैं हम उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं हमारा टास्क क्या है। टास्क देखना पड़ेगा वरना काम नहीं पता चलता है। ओके, समझ आया सबको? हाँ, तुम जो ये वीडियो देखो तुम्हें भी समझ आना चाहिए। ओके, दुनिया भर के मैंने सारी फोटोज रखी है, यहाँ पे है, इसे इग्नोर करा जाए। आपको जो ये फोटो दिख रही है, अगर किसी को नहीं दिख रही है तो हम बड़ा करके दिखाएंगे, सबको सबको दिखाऊंगा। ओके, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, मैं हूँ एक इम्पेशेंट बंदा। जल्दी। ओके, तो जैसे कि हमारी फोटो आ चुकी है, द बेटर स्टार्टेड हियर, हमें ये फोटो ढूंढनी होगी। बंद हो जा, बंद हो जा, वरना टास्क मैनेजर में जाके फिर फिल कर दूंगा। हाँ चलो ठीक है यार, बंद हो गया। चलो जब तक होगा तो होगा, बंद हो जा। ओके, तो जैसे कि हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है फोटो के साथ। रुक जाओ, मैं करता हूँ अभी कुछ। क्या हो? ओके, तो हमें करना क्या है कि ये वाली जो फोटो है वो हमें इस वीडियो में ढूंढनी है। उसके बाद हमें एक बाउंडिंग बॉक्स यानी कि एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमने नर्सरी में पढ़ा ही होगा रेक्टेंगल क्या होता है, नर्सरी नहीं तो फर्स्ट सेकंड कहीं तक तो पढ़ा ही होगा। चलो, तो अब हम उस बातों से हट जाते हैं और आते हैं हमारे कोड में। ठीक है, लास्ट में आपको दिखाया जाएगा कि क्या आउटपुट आता है हमारा। मेरा पीसी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत नहीं साफ है। सबके पीछे फास्ट हो, मेरे पीछे भी। मैं काम करता हूँ, मैं सारे कोड पहले पेस्ट कर देता हूँ और बाद में आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मुझे अब ऐसे ही करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारी फोटो है मीन्स, हाँ, इस लाइन पे गौर किया जाए। ठीक है, तो हमारी जो सबसे पहली जो फोटो है, हम पहले उसके अंदर के की पॉइंट्स और डिस्क्रिप्टर्स निकालेंगे। अगर आपको फीचर मैचिंग पता होगी तो आपको पता ही होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने उसके की पॉइंट और डिस्क्रिप्टर्स निकाल लिए हैं। मैं हूँ एक बहुत बड़ा वाला कोडर, मेरे को सब आता है, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब अगला कोड पेस्ट किया जाए। ओके, तो हमारे नेक्स्ट कोड्स भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। मेरा पीसी बहुत हैंग मारता है, आपको पता ही है, दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर मेरा माउस पॉइंटर आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा ही बेकार है, मैंने सेटिंग्स ऐसी कुछ कर रखी है। तो सबसे पहले जो आपको वाइल लूप दिखाई दे रहा है, वाइल लूप यानी जो बार बार कंटिन्यू होता है। ठीक है, बार बार कंटिन्यू होता है, चल ठीक है, जो कुछ भी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमने इमेज, हमारी जो इमेज थी हमने उसके की पॉइंट्स और डिस्क्रिप्टर्स निकाल दिए थे। उसके बाद हम करेंगे क्या, जो हमारा वीडियो है मीन्स पबजी, हम पबजी के ट्रेलर थे, हाँ ये पबजी के ट्रेलर का एक स्क्रीनशॉट है। तो फिर हम पहले उसे कैप्चर करेंगे, फिर हम करेंगे क्या, एक वाइल लूप लगाएंगे, फिर उसके हर एक फ्रेम को रीड करेंगे। ओपन से भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, जो उसके नीचे आपको दिख रहा है की पॉइंट एंड डिस्क्रिप्टर, यस मीन सेकेंड वन जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा, ओ आर बी डॉट डिटेक्ट एंड कम्प्यूट, हम उसके भी की पॉइंट और डिस्क्रिप्टर निकालेंगे। उसके बाद एल्गोरिदम यूज करेंगे, एक है बी एफ एम मैचर। ठीक है,
और उसके बाद हम BFM मैचर का एक और एल्गोरिदम है KNN मैच, हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैच करना है, हमें KNN मैच में दो डिस्क्रिप्टर्स को मैच करना होगा। तो फिर हमने मैच किया डिस्क्रिप्टर 2 और 1 को, ये इसी को ऑर्डर में लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो अब आपको उस KNN मैच के नीचे जो दिखाई दे रहा है, गुड, हमने सबसे पहले उसका एक एंटी स्ट्रिंग बना लिया, फिर उसके नीचे हम क्या नीचे नीचे बोल रहे हैं, मैंने माउस का सब का क्यों नहीं कर रखा। ठीक है, गौर से सुनिए, अब यहाँ पे थोड़ा मामला खतरनाक होने वाला है, इसके बाद भी होने वाला है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर होगा क्या, हम मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालेंगे, मीन्स जो हमारे मैचेस हैं, जितने भी हमारे मैचेस निकाले, अगर आपको फ्यूचर मैच पता हो तो फिर समझ जाइए कि जो हम जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है और जो मिनिमम डिस्टेंस है, हम उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मीन्स हमको उनकी पोजीशन निकालनी है। तो फिर किया कहा जाएगा हम आपको बताएंगे। ओके, मुझे पता है कि मैं उसके नीचे ऐसी ऐसी बात करे जा रहा हूँ, लेकिन तो अब बताना तो पड़ेगा कि यार कैसे काम करने वाला है। एक्चुअली तो मेरा पीछे इतना स्लो क्यों है। ओके, तो मैं अभी कुछ रुको, जुगाड़ करके देख। ओके, जो मैं मैच की बात कर रहा था वो यही है, जो आपको ये लाइनें वाइनें दिख रही होंगी, एक्चुअली इन्हीं की बातें चल रही है यहाँ पे। तो फिर समझ आ ही रहा होगा, हम इनमें से जो सबसे मैक्सिमम होंगे और जो सबसे मिनिमम होंगे हम उनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब वो हम एक्चुअली करेंगे कैसे मैं बताता हूँ। ओके, तो यार अब देख ही लिया होगा कि कैसे कर देंगे फ्यूचर मैचिंग। तो फिर अब आगे वाले कोड पे जाते हैं। ओके, तो फिर सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारी लेंथ है गोल्ड की, मंथ जो हमने मैं आपके मैचेस दिखाए थे, नंबर ऑफ मैचेस है वो। तो जैसे कि अगर हमारी गुड मैचेस, यानी अभी मेरे वीडियो और इमेज के हिसाब से मेरी गुड मैचेस तो 20 के ऊपर जाती है। तो फिर अगर यहाँ पे जो हमारा एक्स है, जो आपको एक्स इज इक्वल टू लाइन, जो हमारे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के नीचे का है ना, सॉरी, अगर वो हमारे इसके ऊपर जाती है तो फिर हमारे हम करेंगे क्या कि सबसे पहले उनके ट्राइंगल के लिए, अब पता ही होगा ना कि हमें करना होता है। और फिर हम सबसे पहले करेंगे क्या, जो हमारे सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट हैं हम उन्हें पता करेंगे। सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट होते क्या है, मतलब जो सबसे ऊपर और नीचे के जो पॉइंट्स हैं उन्हें। ओके, मतलब जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ, जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ पे उनके। और हाँ, इस वीडियो में मैंने वो फेस कैम नहीं किया हुआ है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम उसके मास्क, मैच मास्क, मीन्स इसके बाद जो हमने एल्गोरिदम्स यूज़ करे उन्हें रट्टा मारने की तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन हमने कर रखा है। चलो ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ आती है, जो नीचे जो आपको ये मिन एक्स और मिन वाई दिख रहा है वो हमारे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो ये हमारे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स है। तो फिर अगर हमारे, देखो जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया, दो अगर x इज ग्रेटर दैन 20, तो फिर हम लोग ये सारे कमांड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन अब बाद में होता क्या, हम लोग सीवी 2 डॉट रेक्टेंगल करते हैं, मीन्स हम वो उन फ्रेम्स में एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, मिन एक्स और मिन वाई। मिन एक्स मीन्स जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में से होते हैं, और मिन वाई जो मिन वाई, हाँ चलो, और मैक्स मैक्स वाले वो है जो बॉटम राइट में रहते हैं। तो फिर ठीक है, यही हमारा फाइनल कोड है। ये मेरे पीछे बहुत हैंग मारता है लेकिन इसलिए मान लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, आपको जैसे कि अब देख रहा होगा, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी द बैटल स्टार्टेड हियर की, वहाँ पे एक रेक्टेंगल बना, अभी आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और मैं ना इसका एक क्लियर व्यू निकालता हूँ। अभी मैं बता दूँ कि वो क्लियर व्यू कैसे हो। ओके, तो ये हमारा क्लियर व्यू है, मंस देखिए यहाँ पे हमारे दिया हुआ एक रेक्टेंगल, जो हमारे यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो था हमारा मिन एक्स और मिन वाई, जो हमें बॉटम राइट साइड में है वो है मैक्स एक्स और मैक्स वाई। तो फिर अभी धीरे धीरे ही चल रहा है। ओके, मैं इसे हाँ यहाँ पे फ्यूचर मैचिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर व्यू है इसका, आ गया क्लियर व्यू। ओके, अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है।
तो फिर ठीक है, हमें दिखाई दे रहा होगा कि क्लियर व्यू भी मिल गया है हमें। तो फिर यार देखो, अभी मैं आपको कोड स्टोर दे नहीं सकता हूँ क्योंकि थोड़ा भारी जाएगा, और अभी मैं गिफ्ट भी यूज़ नहीं करता, मतलब मैं गिफ्ट से आपको कोड्स दे देता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए इसी तरह करना होगा हमें। मतलब जो मैं वीडियोस बना रहा आपको उसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो तो फिर यार आपको बहुत बड़ा एहसान होगा, मैं आपको कोड देने लगूँगा। अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया तो मैं कोड भी देने लग जाऊँगा और अच्छे मैं बनाऊँगा वीडियोस। मैंने अपने टेक्स्ट डिटेक्शन का एक वीडियो बनाया था, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं बना होगा कोई बात नहीं, लेकिन ओके तो अब जब तक अगला वीडियो आ रहा है तब तक के लिए गुड बाय करते हैं।